और एक बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है, इसराइल दूतावास के पास जो ब्लास्ट हुआ उससे जुड़ी हुई। ब्लास्ट वाली जगह पर अब एनएसजी की टीम पहुंची है। एनएसजी की टीम घटनास्थल पर पहुंचकर एक एक चीज़ की जांच कर रही है, मुआयना कर रही है। इसराइली दूतावास के पास हुए इस धमाके में ड्राई सेल के कई टुकड़े बरामद हुए हैं। घटनास्थल पर मिले विस्फोटक की भी एनएसजी की टीम जांच कर रही है। इंडिया टीवी के संवाददाता भास्कर मिश्रा वहीं मौजूद थे। अभय पराशर की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इसराइल एम्बेसी के पास जहां पर ब्लास्ट हुआ था वहां पर आप इस वक्त तस्वीरें देख सकते हैं। एनएसजी की जो टीम है वो भी यहां पर पहुंची है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। एनएसजी के तमाम जो सीनियर ऑफिसर्स हैं और साथ में कमांडो हैं वो भी यहां पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पहुंचे हैं। असल में आज सुबह से इसराइल एम्बेसी के पास जो एक आईडी ब्लास्ट हुआ था उसको लेकर यहां पर लगातार रिक्रिएशन की जा रही है, इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, जिसके लिए पहले स्पेशल सेल के बाद क्राइम ब्रांच, इसराइल एजेंसी के लोग, और अब आप देख सकते हैं जो एनएसजी के लोग हैं, एनएसजी के जो ऑफिसर्स है वो भी जो है यहां पर पहुंचे हैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। क्योंकि इसराइल एम्बेसी से जुड़ा हुआ मामला है, जो एनवलप मिला था उसके अंदर भी इसराइल के एम्बेसडर के नाम एक जो है एक लेटर जो है वो लिखा गया था, और यही वजह है कि अब जांच को आगे बढ़ाने के लिए एनएसजी भी जो है स्पॉट पर पहुंच गई है। एक बार बात कर लेते हैं सर, आप इन्वेस्टिगेशन के लिए पहुंचे सर यहां पे? सर इसी केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए पहुंचे सर। बम धमाके तो यहां सर आप लोगों को स्पेशली बुलाया गया है इस जांच के लिए सर? टीम पहुंच चुकी है। तो देखिए हालांकि अभी बात नहीं कर रहे हैं लेकिन जांच जो है जांच करने के लिए एनएसजी की टीम फिलहाल स्पॉट पर जा रही है। हम आपको तस्वीर जो है वो एक बार दिखा दें। तमाम एजेंसियां अभी जांच कर रही हैं और वहीं पर जाने के लिए फिलहाल एनएसजी की टीम जो है वो मौके पर पहुंच गई है और पूरे इलाके का मुआयना किया जाएगा। जो स्पॉट है ये सामने स्पॉट है जहां पर फुटपाथ के पास इन झाड़ियों में ही जो वो आईडी जो बॉम्ब था वो यहां पर मिला था, वो यहां पर फटा था, जिसके बाद आज तमाम एजेंसियां जो है जिसमें एनआईए भी शामिल है और अब एनएसजी की टीम भी, ये देखिए आप एनएसजी के ऑफिसर जो है फिलहाल अंदर जा रहे हैं और स्पॉट का पूरी तरीके से मुआयना जो है वो करने के लिए यहां पर एनएसजी की टीम यहां पर पहुंची है और एनएसजी की टीम भी यहां पर रिक्रिएशन करेगी। कैमरामैन दिनेश चंद के साथ अभय पराशर, इंडिया टीवी, दिल्ली। और दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी एक और बड़ी खबर, सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की एक टीम भी कैब के पिकअप एंड ड्रॉप पर काम कर रही है। दरअसल जो लोग यहाँ आए थे वो एक कैब से पहुंचे थे जिन्होंने ये विस्फोटक यहाँ पे रखा था। ब्लास्ट से पहले अब्दुल कलाम रोड पर 3 घंटे तक कितने लोगों को कैब से पिक किया गया, ड्रॉप किया गया, ओला उबर इन कंपनियों से संपर्क किया जा रहा है और उनसे 29 तारीख को दोपहर 3 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक के बीच की गाड़ियों की डिटेल्स ली जा रही हैं। इसके अलावा पूरी सड़क की अब 3 दिन की सीसीटीवी फुटेज भी निकाली जा रही है जिससे पता चल सके कि वो लोग कौन थे जिन्होंने यहाँ ये धमाका किया। इस बीच दिल्ली में पुलिस वालों के परिवार क्यों धरना दे रहे हैं, भावुक कर देने वाली एक रिपोर्ट आपको दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।